जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, जिसमें लगभग टॉप से 40% डाउन है। इसमें मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कौन सा मेजर सपोर्ट है? लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, रिलैक्सो ने भी नहीं दिया। और इसका दूसरा, अगर बाटा की बात करें तो बाटा इंडस्ट्री से बाटा ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया, वो भी लगभग 30-40% के लगभग डाउन है। तो अगर बाटा और अपन रिलैक्सो की बात की रहा है तो हम आज डिस्कस करेंगे रिलैक्सो के बारे में, आने वाले समय में बाटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो फुटवेयर इंडस्ट्री से नॉन लेदर के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके बाद में फ्यूचर ग्रोथ, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, टेक्निकल चार्ट के थ्रू किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर मेजर सपोर्ट है, अगर रिवर्स होता है तो कहाँ से उसको रिवर्स होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया, AI सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, अभी 40% डाउन डिस्काउंट में मिल रहा है। कौन से लेवल आ सकते हैं, कहाँ पर है? लगभग 40% डाउन है तो लगभग अगर इसको 770 के लगभग या 50 के लगभग मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए, ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पर जा सकती है, आने वाले 1-2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो AI सेक्टर में कर सकते हैं, तो इनके इस वीडियो को जरूर देखिए। ताकि मुथूट फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, बोरोसिल रिन्यूएबल का ब्रेकआउट हो चुका है, आप जाके इनको वीडियो को देख सकते हो। आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले अपन टेक्निकल चार्ट, ये रिलैक्सो फुटवेयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर एक बात कीजिए, ये लगभग टॉप से कब, नवंबर 21 से डाउन है। अगर इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मैं एक सेकंड, मतलब 5 सेकंड का अपन समय लेते हैं, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। हम ट्रेंड की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड। तो इसमें दोस्तों डाउन ट्रेंड चल रहा है। किस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है आप देख सकते हो कि एक बार भी अपने हायर टॉपर हायर बॉटम पैटर्न को इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो इन लेवल पे बाइंग करूंगा। जो भी है लेवल मैं आपको बता देता हूं, प्राइस है लगभग 780 के लगभग, ठीक है, सॉरी 980 के लगभग, ठीक है। 980 को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज होगा। तब तक कोई भी ट्रेंड चेंज ही नहीं होगा, ये मेजर सपोर्ट कहीं भी आ सकता है। अब मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को, इसमें ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, एक हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो किस तरह से वो पैटर्न बन रहा है, किस तरह से पैटर्न बन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे तो जा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड की बात करिए तो इसमें अच्छा है, सबसे मूवमेंट कब आएगा, 7980 के लगभग ब्रेकआउट करेगा तब। देखिए सबसे पहले बात होती है कि ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। देखिए ट्रेंड को हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये इस तरह से ट्रेंड होता है दोस्तों, ठीक है। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। देसी भाषा में सीढ़ी का एग्जांपल देता हूं, छत पर चढ़ते हैं उस तरह से एग्जांपल देता हूं, उसको आप ध्यान से दिए। ये वाला एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम ऊपर वाला टॉप, ऊपर जाते हैं तो हायर आते हैं अपने पास, नीचे आते हैं तो लोअर आते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें अब ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, ये डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इन लेवल पर करेगा तब, और नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो देखो एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, उसको सपोर्ट ले रहा है तो कहां पर अपने को कर सकते हैं उसका भी देखेंगे। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मान लीजिए कहीं भी ये सपोर्ट पे आ जाता है तो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से अपन देख सकते हैं उसको समझ। अगर यहां पर आता है तो बाइंग टीआरसीपी कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, बाइंग टीआरसीपी जिस तरह से कोई हैमर कैंडल स्टिक पटे। अब जैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी अगर कोई कैंडल बन जाती है तो अपना अच्छा इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपन समझ लीजिए 5 मिनट का ले लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट वो अलग चीज होती है, लेकिन इसमें अपने को यहां पर वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली या डेली टाइम फ्रेम में यहां पर कुछ बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, यहां पर क्या है दोस्तों, ये जी यहां पर अगर दोस्तों मैं पहले इधर आऊं तो इधर देखिए, एक यहां पर पहले एक रेजिस्टेंस था, ये देखो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, पुलबैक पैटर्न आया था, फिर ऊपर की तरफ गया था, तो वापस आते समय भी यहां पर। अब ये किस तरह से आप देख सकते हो, मान लीजिए कभी भी अपन जैसे लंबी यात्रा में जाते हैं या लंबी मतलब के जैसे मान लीजिए अपन ये 75 किलोमीटर के लगभग है, मान लीजिए कि ये लंबी पैदल यात्रा में जाते हैं, जिस तरह से हमारा राजस्थान में एक सालासर जी बालाजी का मंदिर है तो हम वहाँ पैदल यात्रा में जाते हैं, तो जिस तरह से हम जाते हैं तो वहाँ पर हम मतलब कि 75 किलोमीटर है तो 5-10 जगह रुकते हैं, तो इस तरह से यहाँ से ऐसे रुकते हैं, इस तरह से रुकते हैं। अब ये मान लीजिए रुकते फिर वापस लास्ट में पहुंच के, अब एक चीज़ बताइए कॉमन सेंस लगाते हैं अपन, मान लीजिए कि वहाँ पर एक संकट मोचन आता है, ठीक है, 4 किलोमीटर पहले एक संकट मोचन आता है,
तो वहां पर अपने को पता इस संकट मोचन जब यहां से इंसान चला हुआ रहता है और यहां बाद में यहां से मतलब कि 70 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है 70 किलोमीटर, ये बाद में 4 किलोमीटर बच गया, तो यहां इतना थका होने के बावजूद भी यहां पर इसमें रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि दोस्तों उनको डेस्टिनेशन अपने को पता चल जाता है कि अपने को 4 किलोमीटर ही चलता है। उस ये भी मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, उसी तरह से दे रहा हूँ कि कोई भी स्टोक मान लीजिए कोई लंबी यात्रा करके आया है, नीचे से आया है और फिर वो ऊपर की तरफ इस तरह से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ध्यान रखना उसको टारगेट दिखाई दे गया है, वो वहां तक टारगेट से रिवर्स हो सकता है इस तरह से। तो अपन इस तरह से यात्रा में जाते हैं, तो इस तरह से यात्रा में जाते हैं तो मान लीजिए रुकते हैं ना, तो वापस आते हैं तो अपना अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं रुके, अपने खाना खाया, तो अपना वापस आते समय साइकोलॉजी पॉइंट होता है कि अपने को याद रह जाता है कि हाँ यार हमने यहाँ आते समय तो रुके थे, यहाँ पर खाना खाया था, मतलब जाते समय खाना खाया था, रुके थे। उसी तरह से अपन या तो रुक सकते हैं या देख सकते हैं। तो उस तरह से स्टॉक भी अगर अप ट्रेंड का स्टॉक होता है और वो वापस आता नीचे आता है, तो जहाँ जाते समय जहाँ जहाँ रुका था वहाँ पर रुकेगा। अब देखो इसमें चार्ट में देख लीजिए कहाँ कहाँ रुका था, यहाँ पर रुका था तो यहाँ पर रुका, नहीं रुका वापस आते हैं देखिए स्टॉक, फिर वहाँ यहाँ रुका था तो यहाँ पर भी रुका था स्टॉक, रुका था फिर वापस आए यहाँ रुका था तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर ये है ना यहाँ, तो इस तरह से यहाँ जाते समय यहाँ रुका था, यहाँ रुका था, ये था ना रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट का काम किया है। तो ये इस तरह से काम करता है जी, क्योंकि इंसान भी काम करते हैं शेयर मार्केट में। अब बात आती है कि अपने को इसको कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम किया भी है। अब अगर ध्यान से सुनिए, अब अगर इस लेवल पे जो भी ये लेवल है इसमें बाइंग टीआरसीपी बन जाती है, बुलिश अरामी, बुलिश इनगल्पिंग हैमर, बुलिश सैंडविच, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बाइंग टीआरसीपी के वो मिल जाते हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए नहीं आता है तो क्या करें, मान लीजिए यहीं से रुक के थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चला जाता है तो क्या करना है, फिर यही कंडीशन बनती है इसको ऊपर की तरफ इन लेवल पे मतलब 750 के लगभग, 750 पर बाइंग टीआरसीपी या फिर बाद में आप 970 लगभग 200 पॉइंट गए। 200 पॉइंट में दोस्तों कोई ज़्यादा मूवमेंट, आप दोस्त बोले कि 200 पॉइंट तो दोस्तों 200 पॉइंट पहले किसी ने बाइंग कर लिया तो क्या मिल गया, लगभग 1.5 साल से लगभग कुछ ही नहीं मिला इसमें। मान लीजिए चलो कहीं यहाँ दिसंबर 2022 में कर लिया तो 23 तो आ गया, कोई रिटर्न नहीं मिला, यहाँ पर माइनस में भी है और टॉप से तो 40% डाउन है। तो अपने को इसको ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है, या तो ट्रेंड चेंज यहाँ से होगा या फिर इन मेजर सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट के पास में आके बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर कर सकता है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखें कि किस तरह का ये काम करता है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखो चप्पल जूते का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप चार्ट इसमें देखो, इसकी साइट पर आए हम उस पर वेबसाइट पर जाके, और चप्पल जूतों का ये इसके दूसरे ब्रांड कौन कौन से हैं ब्रांड देख सकते हो, स्पार्क से जो जिसका अक्षय कुमार और वो सलमान खान है वो दोनों इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप इसमें देखते हो बहामास है, फ्लीट है, फिर बाद में मेरी जेन है, किड्स फन है, बोस्टोन है, ये इनके मतलब ब्रांड है, तो इनमें रिलैक्सो है, ये सारे इसके ब्रांड है, तो इसमें आप इनकी साइट पे भी देख सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो। अब देखो चप्पल जूतों का, रबड़ के चप्पल जूते ये सब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सॉरी ठीक है, तो इन पे आप देखो सेल बाद में न्यू अराइवल में मैन वुमेन किड्स सब बच्चों के सब के हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, एथलेटिक्स से रिलेटेड भी है, और देखो इसमें देख सकते हो आपके वॉकिंग रनिंग एथलेटिक को कैजुअल वॉकिंग सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, वॉकिंग ट्रेनिंग जिम के सारे फॉर्मल सब कुछ मिल जाता है, तो इसके साइट पे जाके आप विजिट कर लेना ज़्यादा उसमें अपने को जा। अब इसका मार्केट कैप कितना है इसका देखते हैं। मार्केट कैप 21,193 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करें तो 851 है, स्टॉक पी ए 109 है, आरओसी इसका 11% है, आरओई इसका 8% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये प्रोवाइड करवाती है। नॉन लेदर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें देख सो अपने देख सकते हो नॉन लेदर प्रोडक्ट इज जैसे स्लीपर कैनवास शूज, स्पोर्ट्स स्कूल शूज, टाइप्स ऑफ द फुटवेयर वैल्यूएज, मतलब स्पार्क फ्लेट ये जो इसके सारे अपने जो देखा था साइट पे वही है इसका। अब इसका अपन देख लेते हैं, दूसरी देखिए मेट्रो ब्रांड भी है, रिलैक्सो है, बाटा इंडिया, कैंपस एक्टिवेयर, कैंपस के बारे में डिस्कस किया था, अब बाटा कैंपस सारे डाउन आ रहे हैं, ऑफ सीजन चल रहा है इनका, लिबर्टी शूज ये सब इन्हीं के क्वार्टरली रिजल्ट की किस तरह से है, क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन आएंगे। फिर बाद में देखिए सेल कितना है इसका, सेल देखेंगे एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात की जाए तो सेल देखिए इसका है मार्च जून सितंबर 765 है, बाद में 739 है, बाद में 715 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 614 है, 631 है, 624 है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में अपन देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट में देखिए 63 था, बस 65 हो गए, अभी 644 है, तो इसका डाउन आया है। तो हमने जो 700
जो भी 770 या 50 के लगभग जो डिस्कस किया था लेवल पे आ सकता है, वहां पर बाइंग टीआरसी भी मिलती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ का है, बाद में इसके रिजर्व है 1873 है, फिर बाद में बोरोइंग कर्जा इसका 225 है, कर्जा कोई देखो ज्यादा है नहीं। और फिर बाद में अदर लाइबिलिटीज आ गए, असेट आ गए, और फिर अपन देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो 71% है, एफआईज के पास में होल्डिंग 4% के लगभग, डीआईज की होल्डिंग बाद में 8% है, और पब्लिक के पास में भरी पड़ी है 16% की पब्लिक के पास में होल्डिंग है। तो इसमें देखिए इस तरह से अपन देख सकते हैं कि देखो पब्लिक ने रीजन क्या है, अपन क्या करते हैं, जिस तरह से मैं कभी भी ऐसे वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ जो टॉप पे ट्रेड कर रहे हो और बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं करते हैं। हाँ, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया हो, और जैसे कई पॉलीकैप के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें एक अच्छी रैली दे दी थी। अब जिस तरह से और भी स्टॉक है तो वहाँ पर अदानी में भी इसी रीजन की वजह से था, और भी स्टॉक जैसे पहले अपन अदानी इसका बोरोसिल रिन्यूएबल सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री उसके बारे में भी डिस्कस किया कि नीचे की तरफ आ सकता है, बोरोसिल के बारे में डिस्कस किया था। तो उन लेवल पे क्या कि अच्छी एक रैली आ जाती है तो उसका प्राइस को एडजस्ट करता है। अब देखिए इसमें कौन सी प्राइस पैटर्न और बन रहे हैं दोस्तों। एक है मेरे पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, उसके बारे में पहले डिस्कस किया था। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और ये ऊपर की तरफ, ये नीचे बनता है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये होता है ऊपर बनता है, ये फिर मार्केट नीचे आता है और वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो ऊपर जाता है। इसमें देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है किस तरह से, ये देखो ये यहाँ पर एक शोल्डर बनाए यहाँ पर मान सकते हो ये, और फिर ये हेड बनाए और ये यहाँ पर एक शोल्डर बन जाता है। अब कंडीशन ये है कि इस लेवल से ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये नीचे किसी भी सूरत में इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से रिवर्स पहले ही रिवर्स हो जाता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नहीं बनता है तो अपन उसमें बाद में, यहाँ आ गया यार इसके लोग को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया ना, ब्रेकडाउन क्या कर दिया, अगर नीचे की तरफ टेस्ट ही मतलब एक बार काट भी दिया ना, डिसाइसिव नहीं काटे एक बार काट भी दिया तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा, बस इतना है। और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बन जाता है तो बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, ऊपर की तरफ बाद में होगा। फिर बाद में इसमें देखो राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी बनेगा और फिर ऊपर की तरफ इस लाइन को जिस तरह से यहां से बनेगा। अब बाइंग टीआरसी भी सेलिंग टीआरसी भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखिए, देखिए कहां पर इस सपोर्ट था, सपोर्ट तो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न में, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, देखो कौन सी शानदार कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये देखो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल है, ये बाद में शूटिंग इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, बुलिश इनगल्फिंग है, डबल बॉटम पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न होगा फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पैटर्न होते हैं तो इसको आपको पैटर्न को बहुत जरूर देखना है। और फिर बाद में तो ये तो कोई पैटर्न यहाँ पर मतलब हैमर कैंडल स्टिक है, बाइंग टीआरसीपी है, इस तरह के हैं, तो ट्रेंड डाउन है लेकिन मेजर सपोर्ट से। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है, मान लीजिए ट्रेंड डाउन होने के बावजूद भी ये अगर यहाँ से बाइंग टीआरसीपी बना के, एक सेकंड, ये मान लीजिए यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बना देता है, बाइंग टीआरसीपी के बाद ऊपर रिवर्स होता है, यहाँ से ऊपर सेलिंग टीआरसीपी बना जाता है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होगा, ऊपर रैली आएगी, रैली का मतलब आपके प्रॉफिट आएगा या जैसो भी आएगा वो यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब भी आएगी, ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी ये बनना चाहिए, ध्यान से देख लेना ये, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना जा सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों हर संडे को मैं 11 बजे लाइव आता हूँ, आप जुड़ सकते हो, किसी भी स्टॉक के बारे में हम अलग अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, आप चार्ट में कोई भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, उसमें कब ब्रेकआउट आएगा, क्या चीज़ें आएगी उनके बारे में। अब इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बारे में डिस्कस और कर लेते हैं। और यहां पर ये रुका है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा काम करती है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी आप देख सकते हो, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप देखो और उसको समझ सकते हो, बहुत ही शानदार काम करती हो। मैंने अब देखो ये ट्रेड लाइन है, यहां अब दो कंडीशन हो सकती है, ध्यान देना, अगर ये इस लेवल पे नहीं आता है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाता है तो ध्यान रखना ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, और फिर यहाँ तक आ जाता है तो फिर बाद में ये बाइंग टीआरसी भी बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि यहीं से भी रिवर्स होगा तो अपने को इस ट्रेड लाइन का वेट करना है, क्यों, क्योंकि इस रेंज में रह सकता है, इसका ध्यान रखना थोड़ी देर। तो ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट करेगा, पुलबैक पैटर्न आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा, तीन तो पैटर्न हो गए। और
फिर यहां पर अपन ने देखा था कि ये ट्रेंड चेंज होगा, चार चीज हो गई। उसके बाद में एक चीज और मैं बता देता हूँ कि देखो चीजें सारी चीजें क्लियर होगी ना तो एक साथ मिलेगी तब अपने को पता चल जाएगा। अब देखो टोन डेट मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है उसका भी देख लेते हैं एक बार कि टोन डेट मूविंग एवरेज किस तरह से वो रिस्पेक्ट करती है टोन डेट मूविंग एवरेज, उसका ध्यान रखना है। वो कई स्टॉक में अच्छा काम करती है, कईयों में नहीं काम करती है, ये देख ली टून डेट मूविंग एवरेज का। इसका ये एक बार रेजिस्ट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे एक सेकंड, यहाँ देखो सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ काट दिया, ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न आके फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस ही ले रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में देखो टून डेट मूविंग एवरेज को एक बार नीचे की तरफ काट रहा है, सपोर्ट यहाँ दो तीन बार लिया था तो इस लेवल तक आ सकता है, इसका ध्यान रख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है किस तरह से काम करता है उसका भी देख, पाँच छः चीज़ें हो गई है दोस्तों इसको, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट बने तो 61% की रिट्रेसमेंट पे यहीं से नीचे से लिया था। अब अगर वापस बाई चांस आता है तो इस लेवल का भी ध्यान रख सकते हो, ये नीचे की तरफ आता है ना तो एक तो ये लेवल रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ टेस्ट करके यहाँ पर भी कोई बाइंग टीआरसी भी बना सकता है इसको टेस्ट करके, ठीक है, क्योंकि 78% की रिट्रेसमेंट इसकी छुटी हुई है तो यहाँ से ये हैमर बना के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए तभी इसमें होगा। फिर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे उस चीज़ों का देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करें, यहाँ से गिरा है तो कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, 38% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ सपोर्ट क्या है 51% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ से देखो टेस्ट किया लेकिन नीचे छूट गया तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इसको ये टेस्ट करने आ जाए 700 के लगभग, नहीं आता है तो ट्रेड लाइन का होगा या फिर बाद में यहां कोई बाइंग टीआरसीपी होगा। दोनों तीनों चीजों का अपने को पता चलेगा तभी होगा, या एक चीज के भरोसे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। फिर इसमें देखो टारगेट इसका भी होगा ब्रेकआउट, ये भी ब्रेकआउट होगा ये, और ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होगा तब इसमें, मतलब लगभग ये मान के चलो 1500 तक तो ये आराम से जा सकता है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कंडीशन कहाँ किस लेवल पर अपन बाइंग करते हैं और कितना रिटर्न मिलते हैं। तो इस तरह से ये अप्रोच रहेगी, कंक्लूजन रहेगा तो इस लेवल पे मिलना चाहिए या इस लेवल पे, मैं ब्रीफ में वापस बता देता हूँ कि इस लेवल पे बाइंग टीआरसीपी मिले या इसको ब्रेकआउट करे तब, या फिर बाद में इस लेवल के बाद में यहाँ पर ही ट्रेड लाइन के पास में जो ट्रेंगल पैटर्न बना उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब। दोनों तीनों कंडीशन को जो भी कंडीशन फुलफिल करे उस तरह से अपने को काम करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।